Hi guys, I'm Yusra. Welcome back to my channel. Today I am doing a little different video. A lot of influencers have done unke apne apne versions of such videos worldwide. Lekin mere saath maine kabhi socha nahi tha ki main is tarah ki ek video karungi. Lekin mere saath jab mera office khula to sabse bada masla jo ho raha tha, jo mujhe face karna pada tha, wo ye tha ki jab aap meri off camera skin dekhenge, mere yahan pe shadeed acne ho gayi hai. और उसके अलावा मेरा ये जो स्किन है वो ड्राई है, पूरे ये एरिया ड्राई हो जाता है. एंड दैट इज़ बिकॉज आई वर्क एट अ स्कूल, आई वर्क एट अ कॉलेज, आई वर्क विद किड्स, और मेरा बातें करने का, इंटरेक्ट करने का काम ज़्यादा है. तो मैं अपना मास्क बिल्कुल नहीं उतारती हूँ ऑन कैंपस, और कभी शील्ड पहन लेते हैं, कभी मास्क पहन लेते हैं, लेकिन यूजली उतारते नहीं हैं बिल्कुल, जिसकी वजह से यहाँ पर सारा ऑयल और सीबम प्रोड्यूस हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे एक्ने हो रही थी. हालांकि मैं बिल्कुल मेकअप लगाकर नहीं जा रही थी इस डर से कि मेरा फाउंडेशन जो है वो इस मास्क पे लगेगा और फिर मैं क्या करूंगी, किस तरीके से उसको सही करूंगी, एक लेयर मेरी यहाँ से हट जाएगी. इन सारे डर की वजह से जो है मैं मेकअप नहीं करके जाई थी, मैं सिर्फ एक मॉइस्चराइजर लगा के जाई थी. फिर भी मेरे ब्रेकआउट्स हो रहे थे बिकॉज ऑफ द मास्क. देन आई थॉट कि नॉट वेयरिंग मेकअप इज नॉट द सोल्यूशन, बल्कि मुझे एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए जो कि मेरी स्किन के टाइप को समझे, जो कि सीबम प्रोड्यूस करने को कम करे. मुझे एक ऐसा फाउंडेशन चाहिए जो कि ट्रांसफर प्रूफ हो और 24 आवर वेयर हो, लॉन्ग वेयर हो, लॉन्ग लास्टिंग हो. एंड ट्रस्ट मी गाइस, मेरी सारी चीज़ें जो है ना, मेरे सारे मसाइल वो इस प्रोडक्ट ने और इस प्रोडक्ट ने सॉल्व कर दिए हैं. सो द फर्स्ट प्रोडक्ट इज़ द लॉरियल मैटिफाइंग बेस, जो कि बहुत बहुत अच्छा है. आपके पूरे फेस को मैटिफाई कर देता है, स्मूद आउट कर देता है, और आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है. और स्किन प्रेप जो मैं अपने लॉरियल के, आपको पता है कि आईसी कोल्ड जेल के साथ करती हूँ, इट इज़ राइट हेयर. तो स्किन प्रेप भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एंड द सेकेंड प्रोडक्ट दैट आई रियली रियली वॉन्ट टू ग्लोरीफाई एंड टॉक अबाउट इज़ द लॉरियल इन्फेलेबल 24 आवर मैट कवर फाउंडेशन. और मेरे पास यहाँ पे शेड है वनीला रोज. गाइज, लाइक आप इस वीडियो में देखिएगा, आपको समझ आएगा कि दिस फाउंडेशन इज एक्चुअली कॉन्क्रीट. मतलब एक तो अफोर्डेबल है हद से ज़्यादा. इवन जो मेरे पास लॉरियल इन्फेलेबल फ्रेश वेयर फाउंडेशन है, उससे भी ज़्यादा अफोर्डेबल ये ट्यूब है, दिस फाउंडेशन. एंड इट लास्ट 24 आवर्स, इट्स लॉन्ग वेयर, इट्स मैट, इट्स जिम प्रूफ, इट्स वाटर प्रूफ, इट्स स्वेट प्रूफ. इट इज़ जस्ट अमेजिंग. लाइक आई डेंट थिंक आई बी मूव्ड बाई दिस फाउंडेशन. और ये इस हद तक ट्रांसफर प्रूफ है कि मैंने 5 मिनट तक ये मास्क इस वीडियो में लगाया था एंड नथिंग कम्स ऑफ. आई कैन लिटरली लाइक रब इट ऑन माई स्किन, नथिंग नथिंग नथिंग, लिटरली दिस इज अमेजिंग. सो इफ यू वॉन्ट टू नो हाउ टू गेट मेकअप दैट इज क्विक, दैट इज स्वेट प्रूफ एंड ऑल्सो कोविड फ्रेंडली, ताकि जब आप अपना मास्क पहने और फिर उसके बाद उतारें तो आपकी लिपस्टिक यहाँ पे ना लगे, आपका फाउंडेशन यहाँ पे ना लगे, और जब आपको कोई शील्ड पहननी हो या 6 फीट दूर रह के किसी से बात करनी हो, यू कैन ऑल्सो फ्लॉन्ट योर मेकअप. देन प्लीज कीप वॉचिंग. ओके गाइज, सो टू स्टार्ट ऑफ दिस लुक, वॉट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज स्किन प्रेप. अब स्किन प्रेप के लिए क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी हैं, वो ये है कि आपको पहले अपनी स्किन टाइप देखनी है. माय स्किन टाइप इज़ कॉम्बिनेशन, विच मींस कि ड्राई भी हो जाती है और ऑयली भी हो जाती है. ऑयली यूजुअली टी जोन से होती है, जो कि सीबम प्रोड्यूस करता है, इस तरफ जाता है, और ये जैसे जैसे सीबम मूव होता रहता है, आप देखिए मेरे पोर्स क्लॉग होना शुरू हो गया और मुझे यहाँ एक साइड पर एक्ने शुरू हो गई है. ओवर हियर ऑल्सो सम एक्ने बट मोस्टली मार्क्स. और जो ड्राई जैसे यहाँ से हो जाती है, तो आई कैन लिटरली फील माई फेस जो कि कोनों से पील हो रहा. सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है कि मैंने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है. मेरी स्किन के लिए मॉइस्चराइजर जो बेस्ट काम करता है वो एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर होता है. सो फॉर दैट आई एम यूजिंग द लॉरियल हाइड्रा फ्रेश एंटी शाइन मॉइस्चराइजर. आपको किसी भी अच्छे स्टोर से ये मिल जाएगा. This has a cooling sensation and it is one of my favorite moisturizers to have, क्योंकि ये मेरे face को ना सिर्फ मैटिफाई करता है, कूल करता है, सूथ करता है, तो एक्ने को भी थोड़ा सूथ करता है. आई एब्सोल्युटली लव इट. उसके बाद हमें मूव ऑन करना है टू प्राइमर. सो मॉइस्चराइजर मैंने अच्छी तरह से अप्लाई कर दिया, जस्ट मसाजिंग इट इन टू द फेस टू मेक श्योर कि सब एब्जॉर्ब्ड है. और काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं कि शाइन रिड्यूस हुई है, लेकिन मॉइस्चर स्किन में एड हो गया है एंड आई लुक अ लिटिल मोर अलाइव देन बिफोर. उसके बाद मैंने यूज़ करना है लॉरियल इन्फेलेबल मैटिफाइंग बेस.
Now using a mattifying primer like this one is very very important. This is because ये आपकी पूरी स्किन को मैटिफाई कर देगा, तो आप वहाँ वहाँ अप्लाई करें जहाँ पे यू यूजली गेट ऑयली. फॉर मी इट्स द टी जोन राइट हियर, उसके अलावा इट्स हियर, और जहाँ जहाँ पे मेरे मास्क लगेगा उसको भी मैं मैटिफाई करके और पोर फिल करके जो है स्मूद आउट कर दूंगी. ओके, सो इन द मीनवाइल आई हैव स्लाइटली फिल्ड द ब्राउज. और बहुत बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने प्राइमर को जो है, अब आप देख सकते हैं मेरा फेस मैटिफाई हो गया है, और ज़रूरी ये होता है कि आप अपने प्राइमर को थोड़ा टाइम दें टू सेटल इनटू द स्किन, क्योंकि अगर आप नहीं टाइम देंगे और आप इसके ऊपर डायरेक्ट बेस लगा लेंगे तो आपका जो भी फाउंडेशन आप लगाएंगे वो स्लिप और स्लाइड करेगा थ्रू आउट द डे, और उसकी वजह से वो मास्क पे ट्रांसफर भी हो सकता है और साथ साथ जो है वो क्रैक भी हो सकता है. तो हर चीज़ का प्रोसेस जो है ना वो स्लो स्लो लेयर्स में आपने बिल्डअप करना है. नेक्स्ट फॉर फाउंडेशन आई एम यूजिंग दिस. This is the L'Oreal Infallible Matte Cover Foundation which is 24 hours. और मेरा जो shade है ये शायद मुझे थोड़ा सा match ना करे, तो I will mix another foundation in और मैं mix करूँगी अपना L'Oreal Infallible Fresh Wear Foundation. Okay, so as you can see I have the foundation on. जहाँ पे आपको dots नज़र आ रहे हैं that is the L'Oreal Matte Cover Foundation, और दूसरा जो है वो मैंने अपना L'Oreal Infallible Fresh Wear Foundation लगाया है. And I am going to blend this out. Okay, so I got a little foundation on my shirt, but that's okay. I love this foundation. Like, ज़रा सा color मेरे लिए pink tone में है, yes. तो थोड़ा मैंने उसको अपने yellow tone L'Oreal Infallible से mix किया है. But literally, it's actually transfer proof. And it dries matte, मतलब completely matte. तो अगर आप अपनी skin को prep नहीं करेंगे तो ये आपकी skin पर इतना अच्छा नहीं लगेगा. Next, for concealer, again you have to use something जो कि आपको जो है वो बहुत ज़्यादा help करे आपके makeup को set रखने में. उसके लिए I am using this L'Oreal Infallible More Than a Concealer which is super super full coverage and खुद set भी हो जाता है, अच्छा खासा matte भी है, and oh my god, like I can already tell that it's super full coverage. और again you have to make sure के पत्ती पत्ती layers में काम करें, इसलिए क्योंकि अगर आप सब कुछ cake up करेंगे तो आपका makeup भी naturally cake up होगा और throughout the day इतना long lasting नहीं रहेगा. Blending that out, look how full coverage this is, like this is insane. अगर आप सिर्फ इस कंसीलर को इस्तेमाल कर लें तब भी लाइक यू कैन डू अ फुल फेस ऑफ मेकअप. लेट मी ब्लेंड दैट. सो गाइज आई हैव ब्लेंड द कंसीलर आउट और अभी मैंने पाउडर से सेट भी नहीं किया है, बट दिस इज सो अमेजिंग. आई मीन आई एम ऑल्सो रिव्यूइंग द प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर न्यू फॉर मी, बट आई न्यू दैट दे आर मेड सो दैट योर मेकअप कैन लास्ट ऑल डे फॉर अ गर्ल ऑन द गो. तो ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत लॉन्ग लास्टिंग हैं और बहुत क्विकली आप अप्लाई कर सकते हैं, एंड लिटरली आई हैवन्ट इवन टच्ड इट विद पाउडर एंड दिस कंसीलर हैज़ एक्चुअली सेट इटसेल्फ. आई थिंक के नॉट एग्जैजरेटिंग, आई थिंक आई फाउंड द कंसीलर फॉर मी, लाइक दिस इज गोइंग टू रिप्लेस माय अदर कंसीलर. नेक्स्ट, टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ क्रीसिंग आई एम यूजिंग माय मेबेलिन फिट मी पाउडर. दिस इज इन द कलर फेयर 10 और ये थोड़ा सा जो है वो लाइट है कंपेयर्ड टू my foundation, and that will just balance out जो vanilla rose की जो थोड़ी सी pink tone थी, that's just going to balance it out. Okay, next guys, I'm using my physician's formula bronzer which is a really buttery bronzer to bronze up my entire face और अच्छी तरह से आपने bronzer apply करना है on areas that you usually apply at. टेस्ट होता है ना वो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, वो उससे होता है कि हाउ इट परफॉर्म्स विद अदर प्रोडक्ट्स. इवन दो आई हैव लाइक अ ह्यूज जिट ओवर हियर, इसमें थोड़ा सा मेरा टेक्सचर नजर आ रहा है, बट इफ यू सी दिस साइड जो मैंने ब्रॉन्ज किया है, इवन दो ये फाउंडेशन कम्प्लीटली मैट है, ट्रांसफर प्रूफ है, लाइक इवन इफ आई डू दिस ये मेरे हाथ पे ट्रांसफर नहीं हो रहा, बट बिसाइड्स दैट मतलब दिस प्रोडक्ट एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट आई थिंक इज ब्लेंडिंग सो वेल
with this foundation that I can tell you it is a good one. Okay, time for some pink blush. अब जाहिर है जब इतना पूरा मुंह हमने जो अपना मैट किया हुआ है, so for blush I like कि जरा सा कलर हो और थोड़ी सी जो है उसके अंदर शेयरनेस हो या थोड़ा सा शिमर हो. So I am using lip blush by L'Oreal जो कि कलर में है 165 rosy cheeks blush. This is how it looks. It's so cute and tiny and it also comes with a brush of its own. लेकिन I like using my own brushes, so I'm just going to tap and blend. So guys, under normal circumstances, अगर आप काम पे जा रहे हैं या किसी चीज के लिए जा रहे हैं, किसी इवेंट के लिए जा रहे हैं, अगर आप इतना भी मेकअप कर रहे हैं, you put on a nice lash and you put on some liner, it is perfectly good to go. लेकिन जब आप मास्क पहने हुए होते हैं, so literally this part of your face is hidden and the only thing जो आपको नजर आ रही होती है are the eyes. So we're just going to let the eyes do the talking. So we are going to let our eyes do the talking. और उसके लिए I am using this eyeshadow palette. Look how pretty it is. And this is called the Party Electric Nights Palette by L'Oreal. ये हम इस्तेमाल करेंगे. And what we're going to do with this palette is कि basically सबसे पहले मैं ये shade लूँगी जो कि टोपी सा shade है, ठीक है. And this goes in the crease. And blend, blend, blend. Windshield wiper motions में blend करें. अच्छी तरह ब्लेंड करने के बाद मैं ये ब्लू शेडो लूंगी हल्का सा. एंड वाई आई लाइक दिस इज कि हल्का सा कलर अगर आप अपनी आंखों में डाल लेंगे लोअर लैश लाइन पे ब्लेंड करके, आपकी आंखें बस थोड़ी सी पॉप ऑफ कलर के साथ थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं. सो ये ब्लू मैंने लगाया अंडर दी आई और ब्लू लगाने से आंखों के नीचे आपकी आंखें थोड़ी बड़ी भी लगती हैं. इट्स गोइंग टू लुक रियली रियली क्रेजी अभी, लेकिन आप देखिएगा कि ब्लेंड करने के साथ साथ इट्स गोइंग टू एक्चुअली लुक मच बेटर. उसके बाद आई एम टेकिंग वही कलर उस फ्लफी साइड पे, ब्रश को पिंच करके जस्ट ब्लेंडिंग द कलर. अच्छे तरीके से ब्लेंड करें. नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हम ये वाला शेड लेंगे और टैप कर देंगे अपनी आई पे with our finger, blending it upwards in the crease. Okay, next thing जो मैं करूंगी वो ये है कि मैं एक black liquid liner लगाऊंगी and this liner is the blackest liner in the entire world. इसका नाम है black lacquer by super liner. It is waterproof और ये जो है L'Oreal का liner है. Of course, this is how it looks like. और मैं आपको एक स्वॉच अगर अपने हाथ पे करके दिखाऊं, सुपर फाइन टिप है इसकी एंड दिस इज हाउ इट स्वॉचेस. लुक हाउ ब्लैक इट इज. सो आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई लाइक अ विंग्ड लाइनर विद दिस. और गाइज, मुझे इस लाइनर की टिप बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है क्योंकि इट्स नॉट फेल्ट, इट्स एक्चुअली लाइक अ सिलिकोनी बेंडेबल टिप जिसको आपको लिटरली फ्लैट ले करना पड़ता है अपनी आंख पे टू मेक दैट लाइन, जो कि आपको एक प्रिसिशन देती है एंड इट इज सुपर डुपर ब्लैक. अच्छा जी, इसके बाद आई एम गोइंग टू वेयर लैशेज. लैशेज आर ऑप्शनल, अगर आप पहनना चाहते हैं तो पहने, नहीं पहनना चाहते तो यू कैन एब्सोल्युटली स्किप इट आउट एंड देन वी आर गोइंग टू मूव टू द लिप्स. आई एम टेकिंग अ टाइनी ब्रश लाइक दिस वन और मैं ये वाले कलर में डिप कर रही हूँ विच इज द शाइनीस्ट शेड इन दिस पैलेट और just highlighting my eye for that glow. And I'm really really loving, sorry mera tripod hil gaya, I'm really really loving the eyeliner because ye dekhen, this eyeliner is super smudge proof and will last you all day. Matlab I'm literally rubbing with force aur meri yahan se thoda red ho gaya but this eyeliner doesn't move, so it's a good one. Okay, ye ho gaya. नेक्स्ट, ऑफकोर्स जब आप मास्क लगाए हुए होते हैं पूरा दिन और आपके लिटरली यहाँ पे आप देखें मुंह पे मास्क है, सो यू रियली कांट सी द लिप्स राइट. बट समटाइम्स ऐसा होता है, स्पेसिफिकली फॉर मी वर्किंग एज अ काउंसलर, अगर मेरे पास एक एक्रेलिक है या अगर मैं शील्ड लगाई हुई हूँ तो फिर मैं किसी से वन ऑन वन बात करी हूँ तो आई प्रिफर कि मैं अगर या 6 feet के डिफरेंस पर हूँ और मैं मास्क नहीं पहनना चाह रही तो व्हेन आई रिमूव द मास्क, अगर मैं कोई लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक नहीं लगाती तो सारी लिपस्टिक जो वो मास्क पे आ जाती है
But for that, I have a solution. This is the Ultra Matte Macaron Lipstick by L'Oreal, and it smells so good, you guys. It smells like a cotton candy dream. I'm not even kidding. So I'm going to use this on the lips and let's see कि ये dry out करती है lips या नहीं, because that's also very important. आप नहीं चाहते कि आपकी lipstick chunky लगे या flaky लगे. So let's just see how it is. By the way, this color is gorgeous. This lip color is amazing. If you want to make a statement, I love it. I'm just diffusing the edges a little bit क्योंकि आजकल मुझे थोड़ी lipstick जो है ना वो less edgy अच्छी लग रही है, less defined. So आप अपने भी हाथ से ऐसे tap करेंगे तो आपकी lipstick less defined हो जाएगी. Smells so good. While our lipstick dries, I'm just putting like a nude color in my eyes to make it pop, and the lipstick has dried and it is completely matte. Wow. Okay, so there were two more products that were sent to me by L'Oreal. Even though you know wo matte dry hote hain, I felt like these were going to be the most long lasting ones aur mask mein ye survive karenge, but I just want to show you this beautiful color. It is a lip color. Let me just swatch it right here. इतना हसीन न्यूड कलर है. एंड इफ़ समवन इज़ वंडरिंग कि ये क्या कलर है, सो लेट मी जस्ट टेल यू कि ये है कलर रिची मैट 640. एंड आई लव द कलर रिची रेंज बाय द वे. बहुत ज़्यादा इंटेंस कलर है और इसको आप मतलब किसी भी हाई एंड लिपस्टिक से कंपेयर कर सकते हैं. इट इज़ एब्सोल्युटली फुल ऑफ क्वालिटी, फुल ऑफ पिगमेंट एंड अमेजिंग. और दूसरा जो है वो मेरे पास रूज सिग्नेचर है और रोग सिग्नेचर, आई थिंक इज प्रोनाउंस रूज, एंड इट इज़ 116 एक्सप्लोर. और ये भी जो है वो एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल कलर है. आई डोंट नो व्हाट फार्मूला इज़ इट, फार्मूला ग्लॉसी है, मैट है, बट दिस इज सच अ ब्यूटिफुल न्यूड. ओके, सो दिस इज़ लाइक अ पावर पैक्ड ग्लॉस. आई एम अज्यूमिंग एंड दीज टू कलर्स आर ऑल्सो सो 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 ब्यूटिफुल. आई लव इट. आई जस्ट वॉन्टेड टू पुट दिस इंटायर मेकअप लुक थ्रू अ फ्यू टेस्ट्स. पहला टेस्ट है द स्मूच टेस्ट, बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी कि ये ट्रांसफर प्रूफ है या नहीं. लाइक दिस आई कैन टेल यू, दिस फाउंडेशन इज कम्प्लीटली ट्रांसफर प्रूफ, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ और ना वो अपनी जगह से हिल रहा है, यू कैन सी ना कुछ हो रहा है. बट लेट्स ट्राई द लिपस्टिक. लिटरली नो पिगमेंट, इट्स ऑल्सो ट्रांसफर प्रूफ. एंड फाइनली आई एम गोइंग टू डू द मास्क टेस्ट टू सी इफ दिस मेकअप एक्चुअली किल्स इट. I'm going to put this on for 5 minutes, turn the AC off and see कि ये काम कर रहा है कि नहीं. और आप ये अभी देख सकते हैं AC खुला हुआ है. I'm going to turn it off. Okay guys, so 5 minutes have passed. Half my face is with the mask on. मैं lights के अंदर बैठी हुई हूँ, गर्मी में बैठी हुई हूँ, AC बंद है. अगर आप लोग को उसका vent खुला नजर आ रहा है तो उसका vent जो है वो इसी तरह खुला रहता है, बट वो जो लाइट है उसकी आपको रेड अगर नजर आ रही हो, आई डोंट नो इफ आई कैन जूम इन एंड शो यू, नो आई कांट जूम इन, बट आपको लाइट नजर आ रही है. द एसी इज ऑफ, एवरीथिंग इज ऑफ, बट दिस मेकअप इज गोइंग स्ट्रांग. और आपको पता है एक और चीज जो इतना स्वेट और सीबम प्रोड्यूस करती है वो ये है कि अभी जब मैं बात कर रही हूँ, जब आप एक्सहेल करते हैं तो आप कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे होते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्चुअली वेरी वार्म, और वो यहाँ पे बिल्डअप होती है और फिर ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड और आपका सारा स्वेट, एंड इट जस्ट गेट्स रियली डिस्गस्टिंग इन साइड द मास्क. But let's see if it actually works. This was a new mask and you can see there is no makeup on this mask at all. This makeup is 100% transfer proof, mask approved, COVID friendly, and this is for girls on the go जिनको बहुत ही quick makeup करना होता है, वो चाहते हैं कि उनका makeup all day last करें, and this is going to last you all day. So guys, I hope you liked this video. If you did, give it a thumbs up and subscribe to my channel, and I'll see you guys on the next one. Bye.